वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, थैनोस का वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट कैसे क्लियर करना है और उसके साथ में कौन कौन सी फाइट बेस्ट टीम है वो मैं यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ। तो बिना देरी के जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट बाकी के जो स्टेजेस हैं, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कुल ऑक्सीडन यानी ब्लैक डॉर्फ, कर्वस ग्लाइफ, इबोनीमाउ और सुपर जाइंट, इन चार वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के ऊपर में मैंने वीडियो बना के दे दिया है। चार नहीं, पांच, आई थिंक पांच है। थोड़ा पीछे जाते हैं हम लोग, पीछे जाके चेक कर लेंगे। अरे यार, इनका तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच, अरे छठवा। तो पांच वीडियो बना दिया मैंने इनके ऊपर में डिटेल में, तो इनकी वीडियो देख लेना। ठीक है, नहीं देखा तो जाके देखो, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वापस से रिवॉच करो। रिवॉच करके मेरे को वॉच टाइम दो, व्यूज़ दो, थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, 10-10 मिनट निकाल के हर स्टेजेस के ऊपर मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, हर स्टेजेस में कैरेक्टर रिकमेंड कर रहा हूँ, तो इतना तो व्यूज़ तो बनता मेरा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहला टीम है वो यहाँ पर मैं थानोस का जो वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट है उसको अगर क्लियर करने के लिए फर्स्ट टीम अगर मुझे रिकमेंड करना पड़े तो वो मैं एरा मैन का रिकमेंड कर सकता हूँ, शेरोंग का भी रिकमेंड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं शेरोंग का रिकमेंड कर देता हूँ। शेरोंग का थोड़ा सा यूज़ करने के लिए तुमको CTP एनर्जी चाहिए होगा। शेरोंग का यूज़ करने के लिए ऑब्लिस के साथ में यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए वहाँ पर मैं थोड़ी दिक्कत जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं फर्स्ट टीम जो है वो एरा मैन को रिकमेंड करूँगा। सपोर्ट में तुम कोल्सन ले सकते हो। कोल्सन के जगह पे कोई और कैरेक्टर तुमको अगर चाहिए तो कोई कोल्सन के जगह पे साइक्लॉप भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर CTP इंसाइट होगा तो CTP इंसाइट लगा के चला सकते हो। फर्स्ट टीम यहाँ पर मैं आयरनमैन के साथ में यूज़ कर सकता है। फाइव जो सपोर्ट टीम है उसमें तुम वॉलर टीम भी सेट करो, जो तुमको रिकवरी और बाकी का डेबफ और थोड़ा सा थैनोस को रोकने के लिए कुछ वांडा वगैरह कैरेक्टर यहाँ पर लगा सकते हो। बाकी फिर सुपर विलन फैक्शन से रिलेटेड प्रोवाइड करने वाले बोनस, जो बोनस प्रोवाइड करते हैं, उन कैरेक्टर को यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैं तुमको कुछ दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर में देखो, सुपर विलन फैक्शन बाय 10%, ये जो 10% बोनस जो प्रोवाइड करने वाले जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर तुम लगा सकते हो, जो सुपर विलन फैक्शन 10% प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करोगे तो स्टेज थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। और थानोस अपनी चेयर से उठता हुआ ही बोलता है, ये बोलता है कि तुम मेरे को कभी डिफेट नहीं कर सकता। और मैं बोलता हूँ कि आई एम एस आयरन मैन, मैं तुमको हमेशा मारता रहूँगा। और कैप्टन बोलता है आई कैन डू दिस ऑल डे। वन शॉट होने ही वाला था कि बच गया। अबे निकल वहाँ से, फंस गया। इसको बोलते हैं स्टन इफेक्ट। और ये जो आ रहा है थानोस का स्पेशल अटैक है जिसमें वो मिट्टी और शावर करता है। थोड़ा सा बच के, फिर से बच गया। अबे चल वहाँ से जल्दी जल्दी। ये थानोस के ब्लैक ऑर्डर की टीम की अटैक है, ये अटैक से थोड़ा बच के रहना। आयरनमैन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एडवांटेजेस ज़्यादा है। और थानोस लुढ़क गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्लियर कर सकते हो। थोड़ा सा अटैक से बचना पड़ेगा, आयरनमैन के साथ में क्लियर करना थोड़ा आसान है, बस थोड़ा सा थानोस के अटैक से बच के खेलना पड़ेगा। देख के खेलो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी बार प्रैक्टिस करना है उतने बार प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकंड टीम यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में। अगर CTP रेज है तो ठीक है, CTP रेज अगर नहीं है तो डिस्ट्रक्शन लगा दो या एनर्जी लगा दो, डॉक्टर स्ट्रेंज को काम कर लेगा एंड तुमको स्टेजेस क्लियर करके दे देगा। तो सेकंड टीम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ एशियन वर्क की लीडरशिप, जिसमें एनर्जी अटैक दे रहा है ब्लास्ट अप के कैरेक्टर्स को, 45% इंक्रीज एनर्जी अटैक ब्लास्ट अप के कैरेक्टर्स के लिए। तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर देती है। प्लस यहाँ पर तुम वॉन्ग का सपोर्ट कैरेक्टर ले सकते हो, जो कि सुपर विलन फैक्शन 53% कुछ तो प्रोवाइड कर रहा है, सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी ज़्यादा लीड और सपोर्ट मिल जाता है।
डॉक्टर स्ट्रेंज भी इजीली थानोस को क्लियर कर सकता है। थर्ड वाली टीम है, थर्ड वाली में टीम में मैं डेडपूल इस्तेमाल करता हूँ। तुम लोग यहाँ पर चाहो तो कोई थॉर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो, मैं यहाँ पर डेडपूल इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेडपूल भी थॉर को भी टीम रिकमेंड कर सकता हूँ। सपोर्ट टीम में तुम फिल कोल्सन, वेलकरी या फिर कोई और कोई कैरेक्टर है तुम्हारे पास में, इबोनीमाओ, तो वो तुम यहाँ पर मैं सपोर्ट टीम में इस्तेमाल कर सकते हो। सपोर्ट टीम की कैरेक्टर की वीडियो नहीं दिखे तो जाके देख लो, सर्च मारो यूट्यूब पे टॉप बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर MFF इन इंडिया, तुमको वीडियो मिल जाएगा। चौथी टीम यहाँ पर मैं चौथी टीम में रिकमेंड करूँगा लोकी को ले लो। लोकी की जगह पे कोई और कैरेक्टर है तुम्हारे पास में तो लोकी की जगह पे वो कैरेक्टर ले सकते हो। यहाँ पे तुम चाहो तो मिस मार्वल भी इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा मिस मार्वल के साथ में, क्योंकि उसका थोड़ा सा वहाँ पर थानोस के एनिमेशन जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं और थोड़ा अटैक से भी बच के खेलना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुम चाहो तो मिस मार्वल या लोकी को भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो थानोस का स्टेज क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं फास्ट वाले जो कैरेक्टर्स है वो लगेंगे, एंड फास्ट रनिंग वाले, थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट वाले जो थोड़ा जल्दी दौड़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी मूव करते हैं, वो वाले कैरेक्टर यहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे। प्लस वो कैरेक्टर जिनके पास में डॉज है ये अटैक कैरेक्टर टू इफेक्टिवली डॉज, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुमको बचने वाले जो जल्दी इसके अटैक से बचने वाले जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े वो टाइप के कैरेक्टर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे अभी मैंने बताया डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, आयरन मैन हो गया, मिस मार्वल हो गई, डेडपूल हो गया, शेरोन हो गया, थोड़ा सा ऐसे कैरेक्टर लेने पड़ेंगे जो इसके अटैक से बचे। एंड रिमेंबर थानोस बिकम टू इम्यून टू ऑल डेबफ HP ड्रॉप रेट एज अ सेट अमाउंट, तो यहाँ पर मैं HP भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर की खा जाता है थानोस, तो थोड़ा सा उसके अटैक से बच के रहना पड़ता है। यहाँ पर तुम लोग लीडरशिप के लिए फोर्थ वाली टीम में यहाँ पर लीडरशिप के लिए तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो गोमोरा को। गोमोरा यहाँ पर फिजिकल अटैक इंक्रीज करके दे देती है 55% अटैक स्पीड टाइप के कैरेक्टर्स के लिए, एंड सपोर्ट में तुम लोग व्हाइट फॉक्स या कोई अदर कैरेक्टर सपोर्ट कैरेक्टर है तुम्हारे पास में तो मिस मार्वल के साथ में लगा सकते हो। यहाँ पर पांचवी टीम तुम ले सकते हो वांडा को, अगर वांडा नहीं है तुम्हारे पास में, स्कारलेट विच अगर नहीं है तो फिर बाकी जो कैरेक्टर्स है, बाकी जो बताया था इसके पहले मैंने, बाकी के वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के लिए जो कैरेक्टर मैंने रिकमेंड किए थे उनमें से कोई अदर कैरेक्टर है तुम्हारे पास में, डेडपूल है या कोई अदर कैरेक्टर है, मून नाइट है, हल्क है, हल्क का तो अभी लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म आया है, वो अगर यूज़ करना चाहते हो थानोस के अगेंस्ट में तो ट्राई करके देख सकते हो, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो फिर मेरे को मत बोलना, कंप्लेंट मत करना। तो यहाँ पर शेरोन भी है, काफ़ी सारे कैरेक्टर है जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कई सारे मैंने बाकी वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट के कैरेक्टर्स रिकमेंड किए थे, टीम्स रिकमेंड किए थे, तो वो टीम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो थानोस के अगेंस्ट में, ट्राई करके देख लेना, जीत गए तो ठीक है बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर वेनम वगैरह लगा के कंजर्ड पना करके थोड़ा सा एडजस्ट करके जीत लेना, ठीक है। तो इतनी टीम्स है थानोस के अगेंस्ट में जो तुम्हारे काम आएगी, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टॉप बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर एंड टॉप बेस्ट लीडरशिप कैरेक्टर की वीडियो की लिस्ट अगर नहीं देखे तो जाके देख लो, उसमें सपोर्ट कैरेक्टर, लीडरशिप कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मैंने रिकमेंड किए रखे हैं, कौन कौन से लीडरशिप कैरेक्टर है जो तुमको हाई लेवल के ATK प्रोवाइड करेंगे, और कौन कौन से सपोर्ट कैरेक्टर है जो तुमको सुपर विलन फैक्शन बोनस प्रोवाइड करेंगे। ये सुपर विलन फैक्शन बोनस प्रोवाइड क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये सुपर विलन फैक्शन काम कैसे करता है, उसकी जानकारी के लिए तुमको सपोर्ट वीडियो देखना पड़ेगा, सपोर्ट कैरेक्टर के वीडियो को देखना पड़ेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।